दो दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? अबे इंडिया अलायंस, दो दिन से मैं देख रहा हूं, दो दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? दो दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के दो प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले, तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। उनके एक राजकुमार हैं राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्करे तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्करे तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर हो चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, एक गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं, मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। 2014 में थे, 19 में उससे भी कम हुए, और अब ये शुरू किया है
सनातन धर्म के खिलाफ आलाप 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर। நான் திருப்பும் சொல்றேன், நான் வந்து சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் வந்து விமர்சிச்சேன், சனாதன கோட்பாடுகளை தான் நான் ஒழிக்கணும்னு சொன்னேன், அதை நான் பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ரொம்ப பைத்தியகாரத்தனமா ரொம்ப குழந்தைத்தனமா வந்து நான் வந்து ஜெனோசைடெல்லாம் இன்வைட் பண்ணேன் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. இப்போ நிறைய பேர் இப்ப சில குழுக்கெல்லாம் வந்து சமீபத்தில் வந்து திராவிடத்தை ஒழிக்கணும், கம்யூனிஸ்டை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா இந்த திமுக காரங்களாம் வந்து கொலை செய்யப்படுறாங்க. இல்ல ஒன்றிய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் காங்கிரஸ் முக்த் பாரதா அப்படின்னா அவர் என்ன காங்கிரஸ் வந்து காங்கிரஸ்காரங்களாம் பிடிச்சி பிடிச்சி கொலை பண்ண போறாங்களா? நான் வந்து ஒரு கொள்கையை வந்து சனாதனம்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுவுமே மாறக்கூடாது, எல்லாமே நிலையானது அப்படின்னு சொல்றது தான் சனாதனம்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றாங்க. இல்ல எல்லாத்திலையும் மாற்றம் ஏற்படணும், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய திராவிட மாடல். எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்குங்கிறது தான் திராவிட மாடல். சில வருடங்களுக்கு முன்பு பெண்கள் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, பல வருடங்களுக்கு முன்பு பெண்கள் மேலாடை அணியக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க, கோயிலுக்குள்ள போகக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம மாற்றிருக்கிறோம், இதுதான் திராவிட மாடல். அதனால என்ன வழக்கு போட்டாலும் இதனால சந்திக்கிறோம். நான் கரெக்டாக தான் சொன்னேன், நான் இப்பவும் சொல்றேன், நான் சொன்னது கரெக்டாக தான் சொன்னேன். அதை வேணும்னே அவங்க வந்து எப்பவுமே அது பாஜக வேலை ஃபேக் நியூஸ் பரப்புறது. நான் எந்த கிடையாதுங்க, இது வந்து நேற்று வந்து இந்த நேற்று முன்தினம் இந்தியாவுடைய அந்த இந்தியா கூட்டணியோட வெற்றி வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப பாதிக்க வச்சிருக்கு, தடுமாற்றம் கொடுத்துருக்கு. அதனால தான் ஏதாவது ஒன்று திசை திருப்பணும்னு